Hello guys, welcome back to another daily MPPSC MCQ part number 12 presented by me, that is Aditya Dubey. यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज पहले प्रीवियस प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा, देन इस वीडियो सीरीज से कंटिन्यू कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिवर जो एमपी में फ्लो होती है जिसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, मतलब ईस्ट की तरफ अगर बोला जाए तो मैं आपको बताऊंगा राइट की तरफ फ्लो करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जोहिला। जोहिला रिवर जो फ्लो होती है एमपी से उसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होता है। अब हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एमपी की जितनी भी रिवर्स हैं उनका डायरेक्शन फ्लो के बारे में। तो अगर हम आपको फ्लो के बारे में बात करें तो अगर नॉर्थ की बात की जाए, मीन्स ऊपर के डायरेक्शन की बात की जाए, तो चंबल, बेतवा और सोन फ्लो करती है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। वहीं अगर ईस्ट की बात की जाए तो जोहिला रिवर फ्लो करती है, जो इस क्वेश्चन का आंसर था। यदि बात की जाए साउथ डायरेक्शन की, मतलब नीचे के डायरेक्शन की अगर बात की जाए, तो बेनगंगा, पेंच और वर्धा रिवर फ्लो करती है साउथ की तरफ। अगर हम वेस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ, तो माही, नर्मदा और ताप्ती, माही, ताप्ती या नर्मदा, तो ये रिवर फ्लो करती है। अब आप ये डायरेक्शन याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा क्रूशियल होता है, इससे कोई भी क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सेंचुरी, मींस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनकरेक्ट मैच्ड है। ओके, तो हम बारी बारी से एक एक सेंचुरी के बारे में जानते हैं। पहले अगर बात की जाए नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये बोला गया है सागर में है, ये बिल्कुल सही डायरेक्शन, सही आंसर है। अगर बात की जाए बोरी की, ये होशंगाबाद में है, ये भी सही है। लेकिन अगर बात की जाए रातापानी की, तो रातापानी इंदौर में नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इनकरेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी मैच है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज रातापानी इंदौर। अब क्योंकि असली आंसर क्या है इसका, अब रातापानी जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है। ओके, तो रातापानी बिलोंग्स टू रायसेन, वेयर इज नौरादेही बिलोंग टू सागर, बोरी बिलोंग टू होशंगाबाद। ओके, और इसके बारे में हम एक एब्स्ट्रैक्ट समरी और ले लेते हैं, छोटे से जानकारी। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी की बात करें तो एमपी में टोटल 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये आप जानते होंगे। अगर बात करें नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो सागर में है, वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एमपी की। ओके, बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी। यदि बात की जाए स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वो कौन सी है, वो बिलोंग करती है राला मंडल को। ओके, राला मंडल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी की है, जो कि इंदौर में सिचुएटेड है, वो स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एमपी की। अगर बात की जाए मीन्स जो बोरी, जो मैंने आपको बताया कि तो होशंगाबाद में, आप जानते हैं। लेकिन अगर बात की जाए रातापानी की, तो रातापानी एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ओके, और ये बिलोंग करती है रायसेन डिस्ट्रिक्ट को, तो ये आप याद रखिएगा, रातापानी इज द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर एंड इट बिलोंग टू रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री या कॉम्प्लेक्स मऊ में है। अब मऊ का फुल फॉर्म क्या होता है, मऊ स्टैंड फॉर मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मऊ का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री या कॉम्प्लेक्स मऊ में सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अम्ब्रेला इंडस्ट्री। छाता उद्योग जो है हमारे एमपी का, वो मऊ में सिचुएटेड है। यदि बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, तो डीजल इंजन की फैक्ट्री, अगर पूछा जाए आपसे कि डीजल इंजन की फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये है इंदौर में। अगर बात की जाए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की, तो ये भी इंदौर में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो ये आप इजिली गैस कर सकते हैं, ये बिलोंग करता है सागर डिस्ट्रिक्ट को। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अम्ब्रेला इंडस्ट्री बिलोंग टू मऊ। अगला क्वेश्चन है कि एमपी का बिगेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इनमें से कौन सा है। ओके, एमपी का बिगेस्ट थर्मल पावर स्टेशन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विंध्यांचल। विंध्यांचल थर्मल पावर स्टेशन जो है, जिसकी अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए, तो ये बिलोंग करता है बैरन सिंगरौली को। ओके, ये सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश का। इसकी अगर आपसे कैपेसिटी पूछा जाए तो ये है 2260 मेगावाट। ओके, 2260 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन की। ये एमपी का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, और ये जो है विंध्याचल पावर स्टेशन, ये बिल्ड किया गया था रशिया के सहयोग से। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने
इसकी सहायता की थी। मींस अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन में किस देश ने इंडिया की सहायता की थी, तो इसका सही आंसर है रशिया। ओके, और इसने अपना काम शुरू किया था 1982 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन का काम कब शुरू किया गया और ये ऑपरेशनल कब हुआ, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये ऑपरेशनल हुआ था 2002 में। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑपरेशनल हुआ था 2002 में, वर्क हुआ था शुरू इसका 1982 में। किस देश ने सहयोग किया था, ये था रशिया। ओके, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, ये बिलोंग करता है बैडन सिंगरौली में, एमपी का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2260 मेगावाट। ओके, सो अब हम दूसरे फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि अगर बात की जाए चांदनी थर्मल पावर स्टेशन, तो ये बिलोंग करता है बुरहानपुर को। ओके, चांदनी थर्मल पावर स्टेशन बिलोंग करता है बुरहानपुर को। अब इसकी कैपेसिटी अगर पूछा जाए तो ये काफी कम है, मीन्स 17 मेगावाट ही इसकी कैपेसिटी है। इसका उद्देश्य ये था कि ये स्टैब्लिश की गई थी 1953 में। ओके, और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो नेपानगर न्यूज़पेपर मिल जो है, जो न्यूज़पेपर का कारखाना है नेपानगर में, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। तो इसका उद्देश्य ये था। तो आपको याद रखना है कि चांदनी जो थर्मल पावर स्टेशन है, इट इज इन बुरहानपुर, इसकी कैपेसिटी है 17 मेगावाट और ये शुरू किया गया था 1953 में। ओके, अगर बात की जाए तीसरे ऑप्शन की, अगर आपसे पूछा जाए कि पेंच थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो ये है छिंदवाड़ा में। ये भी आप याद रखिएगा, पेंच छिंदवाड़ा में है और इसकी कैपेसिटी है 420 मेगावाट। अब लास्ट ऑप्शन भी डील कर लेते हैं, संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो ये बिलोंग करता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट को। ओके, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन। इसकी कैपेसिटी अगर आपसे पूछा जाए तो ये है 2000 मेगावाट। ओके, 2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन जो बिलोंग करता है खंडवा को। ओके, और इसका अगर आपसे ऑपरेशनल पूछा जाए कि कब शुरू किया गया ये, तो 2008 से शुरू किया गया था ये। वैसे ये ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लोकेशन और इसकी कैपेसिटी आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा किला प्रतिहार किंग कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, विच फोर्ट मेड बाय प्रतिहार किंग कीर्तिपाल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज चंदेरी फोर्ट। चंदेरी फोर्ट वॉज मेड बाय प्रतिहार किंग कीर्तिपाल। ओके, और ये चंदेरी कहाँ पे है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बिलोंग करता है अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट को। ओके, अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है चंदेरी फोर्ट। अगर बात की जाए धार की, तो ये बिलोंग करता है धार डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। ओके, एमबीटी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनवाया था। अगर बात की जाए ग्वालियर की, तो ग्वालियर जो फोर्ट है वो बहुत ही फेमस है, इसको जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि विच फोर्ट इज नोन एज जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट, तो वो इसका आंसर होगा ग्वालियर फोर्ट। और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था राजा सूरज सेन ने। ओके, राजा सूरज सेन वॉज द फाउंडर ऑफ ग्वालियर फोर्ट। अगर बात की जाए आखिरी ऑप्शन की कि ओरछा फोर्ट कहाँ पे है और किसने बनवाया था, तो ये बिलोंग करता है टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। ओके, ओरछा बिलोंग करता है टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट को और इसको बनवाया था राजा वीर सिंह बुंदेला ने। राजा वीर सिंह बुंदेला ने, RVSB, याद रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन ये था कि विच फोर्ट मेड बाय प्रतिहार किंग कीर्तिपाल, इसका आंसर था चंदेरी, जो है अशोक नगर में। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है, और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट प्रीवियस देखी है, और अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप PDF या किसी भी अपडेट के रिगार्डिंग मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/AdityaDubey MPPSC। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubey MPPSC। आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय बाय।